हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने शॉप पर, और यहाँ पर हो रही है काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। उसमें गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है इधर, और मतलब सूरत मतलब बरसात वगैरह याद नहीं, बाहर तो काफ़ी बारिश हो रही है, इधर तो मतलब बारिश का नामो निशान ही नहीं है बिल्कुल भी, और गर्मी भी बहुत है। जब मन जाने का शॉप पर जाने का तो इस टाइम मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मगर यह क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। ये यहाँ पर रेडी भी हमारे यहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि कस्टमर को आया ना हमारे घर पर, किराएदार आया नया, तो उसका फास्ट फूड का काम है, तो यहाँ पर उन्होंने रेडी भी यही खड़ी कर दी है, क्योंकि अंदर तो हमारा स्पेस था नहीं काफ़ी, स्पेस हमारा गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, तो हमने कहा रेडी बाहर ही खड़ी कर देते हैं, बाहर ही करवा दी मैंने रेडी इसकी खड़ी। अब ये रास्ते से मैंने अभी यहाँ पर ये खरीद ली थी मैंने कॉफ़ी, क्योंकि अभी यहाँ चाय बनेगी तो चाय पीने बन नहीं था, मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेंगे आज, तो या फिर हमें चाय और कॉफ़ी मिक्स करके बहुत टेस्टी लगती है, वो बना के देखूँगा। मैंने गिरा दिया पूरा डस्टबिन, और यहाँ पर देखो बंदे कैसे डस्टबिन में से निकाल के ले गया चिक्कल वगैरह कूड़ा, वो खा रहा है यहाँ पर मजे से। ये हमारे रानू मंडल का भाई छोटा जो हमें स्टेशन पे मिला था, ये वही है। और ये तैयार हमारी चाय रेडी हो चुकी है यहाँ पर, और शाम के बज रहे हैं इस टाइम 6। और वो कॉफ़ी का है जो कॉफ़ी लेके आया था, हाँ तो कॉफ़ी इनमें कम ने ना थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी डाल दी, उसके ऊपर से चाय डाल दी, मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा। सही है, चीनी तो सही डाली, नॉर्मल डाली ना चीनी। चाय रेडी हुई है, मैंने ऊपर से डाल दी है इसके कॉफ़ी, कॉफ़ी देखते हो तो काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और देखते कितनी बार टेस्ट भी अच्छा है, नहीं टेस्ट तो बढ़िया है, मगर चीनी थोड़ी कम है आज, चीनी कम रह गई है मैं शू। अब यह हो गया शॉप का बंद होने का टाइम हो गया, अब शॉप हो रही है बंद, पहुँच चुका हूँ मैं अभी, और ये बैठी हुई है, क्या कर रही हो? ओ मीशो, चलो जल्दी रेडी हो जाओ फिर चलते हैं घूमने फिर फटाफट, ठीक है। हमने भरवा लिया पेट्रोल, अब पेट्रोल भरवाने के बाद हम निकलते हैं घूमने के लिए हाईवे पे, और हमारा वैसे हम तो डेली मतलब हाईवे, हमें हाईवे पे एक्सप्लोर करना बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ गए थे स्प्रिंग रोल लेने, तो हमने स्प्रिंग रोल वगैरह पैक कर दिया, ये वही रेडी है जो हमारे यहाँ रेंट पर रहते हैं, तो उन्हीं की यही पर लग रहा था, हमने कहा फर्स्ट डे इनका ट्राई करते हैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल वगैरह, काफ़ी यहाँ फ्रेश भी है, स्प्रिंग रोल के साथ मोमो ट्राई करते हैं, मोमो काफ़ी अच्छे हैं, देखो आप गाइस काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम आ चुके हैं घर पर, और मोमो तो भाई साहब बहुत टेस्टी मोमो थे, और चटनी चटनी इतनी बढ़िया चटनी थी, इतनी स्पाइसी चटनी थी, जैसे मुझे मतलब मुझे पर्सनली मुझे स्पाइसी पसंद है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया थी, और मोमो की फीलिंग इतनी बढ़िया थी, मोमो की फीलिंग, और हैवी मोमो यहाँ करते, दो मोमो के बराबर एक मोमो था हैवी, और हमने रात के लिए स्प्रिंग रोल भी पैक करा ली, क्योंकि हमें रात को लिए कोई ना कोई मील चाहिए होती है, क्योंकि रात को चाय वाय पीता हूँ, उसके बाद मुझे मील कोई ना कोई चाहिए, कुछ भी हो मतलब रात को कभी मतलब अंडे वगैरह भी, या फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए, अभी तो सावन चल रहे हैं अंडे वगैरह तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने कहा यार स्प्रिंग रोल पैक करा लेते हैं, तो अब वो खाएंगे, अब घर आ गए थोड़ा खाना वाना भी खाते हैं, मिलते हैं, ब्लॉग को ऐड करता हूँ इस टाइम, और जैसा कैसा लगा यार ब्लॉग जो बताना, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।